विश्व प्रसिद्ध कष्ट भंजन देव सारंगपुर वाले बालाजी के स्वरूप में यह नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस तरह लगातार गणपति स्थापना को लेकर सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे हम बात करें दशहरा मैदान में भी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। हमारे सहयोगी विनोद गुजर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य पंडाल सजाया गया और प्रतिवर्ष यहाँ पर जिस तरीके से नया नया स्वरूप हमें जो है देखने को मिलता है। इस बार बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके की तैयारी की गई, कितना उत्साह था आयोजन को लेकर, क्यों प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नया करने का सोच जो है इस ग्रुप की रहती है। तो बात करें किस तरीके से तैयारी की गई थी, क्या स्वरूप इस बार देखने को मिलेगा नीमच की जनता को। इस बार जो आप ये स्वरूप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप स्वरूप देख रहे हैं, यह विश्व प्रसिद्ध कष्ट भंजन बालाजी सारंगपुर वाले बालाजी के स्वरूप में आप यहाँ मूर्ति विराजित देख रहे हैं। यह गूगल की पहली इमेज है। गणपति ग्रुप ने हमेशा कोशिश की है कि जब भी कुछ दे तो नया दे। नीमच की जनता का हमें प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, तो हम भी कुछ पूरे उत्साह में लबरेज लेते हैं। तो इस बार हमने कष्ट भंजन के रूप में गणपति की स्थापना की। अब तक किस किस स्वरूप में आप जो है यहाँ पर स्थापना कर चुके हैं? देखिए, हम पहली बार सबसे पहले जब हमने गणपति ग्रुप संभाला था, उससे पहले काफ़ी टाइम पे चल ही रहा था। जब से हमने गणपति ग्रुप संभाला, सबसे पहले हम कान्हा गणेश लाए थे और उसके बाद हमने सबसे पहले जो प्रतिमा लाए थे वो भी गूगल की पहली में थी। हम श्रीनाथ गणेश के रूप में लाए थे, जिसमें हमने पहले दिन श्रीनाथ जी का मंगला दर्शन कराया था, जिसमें सिर्फ एक अंग वस्त्र उनके शरीर पर था। उसके बाद हमने उनके 10 दिन के 10 श्रृंगार दिखाए थे। उसके बाद हम लाए थे सांवरा गणेश के बाद हम लाए तिरुपति गणेश, द्वारिकाधीश गणेश, बाके बिहारी गणेश, दगड़ू सेठ। इस तरीके से हम हर वक्त कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे आराध्य है, जो हमारे इष्ट, उनके स्वरूप में आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि 10 दिन आपको कुछ नया देखने को मिले। क्या कहें, कितनी लोगों का उत्साह रहता है कि हर बार जो नया स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है, इस बार भी नया स्वरूप यहाँ देखने को मिला। क्या कहें, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह के दर्शन करते हैं यहाँ पे? हम पिछले जो 21 वर्षों से गणपति गुरु टैगोर महाराजानागली द्वारा 21 वर्षों से ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि नए स्वरूप में गणपति बापा सबको दर्शन देवे। और प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक भगत जो वेशभूषा और श्रृंगार करते हैं, ये हमारी कठिन मेहनत रहती है। और पिछले साल हमने जो गणपति में गंगा आरती की थी, विशेष आकर्षण का केंद्र था। और हमारी जो आरती होती है शाम को ठीक 7:30 बजे, वो संगीतमय आरती होती है। उसके बाद भजनों की प्रस्तुति होती है। 10 दिन सभी से हम गणपति गुरु दशहरा मैदान नीमच की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती है, कृपया आपके अपने दशहरा मैदान पे आइए, सब परिवार आइए, इष्ट मित्रों सहित आइए, दर्शन आप लीजिए एवं भजनों का और आरती का आनंद लीजिए, लाभ लीजिए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी इस दरबार में आएगा, गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा एवं दुखड़े दर्द दूर करेगा। क्या कहेंगे, पिछली बार गंगा आरती की बड़ी बात है, इस बार भी क्या कुछ एक नया स्वरूप? इस बार सबसे बड़ी बात पंडाल जो देख रहे हैं, ये पूरा हमने सारंगपुर बालाजी को देख के यहाँ पंडाल बनवाया है, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे तो सारंगपुर का जैसा गेट है उस तरीके का गेट बनावा, फिर उसके बाद उनका एक गार्डन है पूरा गार्डन। के बाद आपका हमने यहाँ पे भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था करी है, बारिश के मौसम को देखते पूरा पंडाल बनाया, पूरा वातानुकूलित पंडाल बनाया है। उसके बाद जिस तरीके से पिछले साल हमने गंगा आरती करी, इस वर्ष की गंगा आरती और ज़्यादा खास होने वाली है। इस वर्ष की जो गंगा आरती 15 तारीख को होगी, वो गंगा आरती यहाँ खड़े हर बंदे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड रहेगी और हमेशा देखेगा उसे। इतनी ऐतिहासिक आरती हुई गंगा आरती। 14 तारीख को 56 भोग लगेगा, 16 तारीख को ताली कीर्तन होगा, 13 तारीख को सुंदरकांड होगा। इस तरीके से प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम है और रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होंगे। कोशिश हमारी जारी है कि नीमच की जनता, नीमच की जो धर्मप्रेमी जनता है, जो हमें सहयोग करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो ट्रेन देते हैं, सबसे बड़ी बात जो ट्रेन देते हैं लोग, हम ये चाहते हैं कि उसी तरह का प्रेम हमारे साथ बना रहे। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये सब हम लोगों की बस एक प्लानिंग चलती है क्या करना है। ये मूर्ति को बनाने में पहले पेपर पे ड्राइंग की गई, ड्राइंग करने के बाद उसको पहले कलाकारों को ढूंढा गया, कलाकार नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से कलाकार से बात करी गई, कलाकार के साथ बैठ के 100 दिन में स्वरूप आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये 100 दिन में स्वरूप है। और इसका 200 दिन आपको नया स्वरूप देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कष्ट भंजन बालाजी में प्रतिदिन श्रृंगार होते हैं, उसी तरीके से प्रतिदिन यहाँ भी श्रृंगार होंगे, जिसमें फूल बंगला बनेगा, फल बंगला बनेगा, सब्जी का बंगला बनेगा। इस तरीके से रोज नित नए श्रृंगार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और रोज जो शाम को संगीतमय आरती होती है वो तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
गणपति क्या कहें, कितना उत्साह रहता है, कितना इंतजार किया जाता है कि स्थापना की जाएगी, लोग यहाँ आएंगे, और आप जिस तरीके से लगातार जुड़े हैं सब लोग हैं, तो कितने उत्साह आप लोगों में है? पहले तो पहले नीमच की सारी जनता को जय श्री गणेश और बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की, और सभी धर्मप्रिय जनता को ये सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वह 10 दिन यहाँ आकर के गणेश पांडाल में, भव्य पांडाल में आकर के नए नए भगवान के श्रृंगार देखेंगे, और इसी तरह से रोज़ कुछ ना कुछ हमारी तरफ से एक्टिविटी रहेगी जो जनता को एक आकर्षित का केंद्र बना रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कष्टभंजन भगवान जो कि गुजरात के सारंगपुर में स्थित है, जो कि भावनगर से पास है, और जैसा कि आप बालाजी का स्वरूप देख रहे हैं, और जैसा कि आप ये पूरी प्रतिमा देख रहे हैं, इसको देख करके पूरी जनता नीमच की हर्षोल्लास से और अपनी अपनी जो मनोकामना है बापा के सामने अपने उनके श्री चरणों में रख करके अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे अनुरोध करेगी। और क्या कहेंगे आप कि कितना इंतजार रहता है यहाँ पर के विसर्जन को लेकर, दर्शन को लेकर, किस तरह से उत्साह रहता है? बहुत काफ़ी अच्छा उत्साह रहता है। क्या कहेंगे आप, लंबे वक्त से यहाँ जुड़े हुए हैं, लगातार जो आप हर साल नया स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है, दर्शन करने को मिलता है, कितना उत्साह रहता है? सालों से देख ही रहे हो, मेहनत इतनी करते हैं और दर्शनार्थी जो आते हैं, मतलब यहाँ कम से कम 15 मिनट दर्शन करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि उनको स्पेस भी मिलता है, दर्शन भी मिलते हैं और दर्शन भी अच्छे खासे करके जाते हैं। लोग घूम फिर के आएंगे, देख के आ जाएंगे, दर्शन भी होते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए जो पांडाल बनाया गया है, हर इंसान, हर पब्लिक जितनी भी आती है, इतने खूबसूरत और बढ़िया से दर्शन करती है कि हर के हाथ में मोबाइल रहता है, वो जाते हैं, मतलब आप ये देखो दर्शन पूरे मोबाइल में भी करते हैं और सामने भी करते हैं, 15-15 मिनट सब दर्शनार्थी रुकते हैं, और आरती के टाइम में इतनी पब्लिक रहती है कि हमको 4 जनों को खड़ा रहना पड़ता है, मतलब पब्लिक इतनी उत्साह से, पूरी चर्चा रहती है मार्केट में, कहीं भी देख लीजिए, और रात को 12 बजे तक पब्लिक यहाँ दर्शन के लिए आती है, यही एक गणपति ग्रुप की खासियत है। बड़ी बात है, गणपति ग्रुप की खासियत सारी देख सकते हैं आप, किस तरीके से अभी से तस्वीर लेने का जो है स्वरूप शुरू हो चुका है, जिस तरीके से जो यहाँ पर किस तरीके से पांडाल सजाया, किस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई, उसे लेकर अभी से उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, भक्त जो अभी से दर्शन करने के लिए अभी से जो है बप्पा के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस तरीके आप तस्वीरें देख पा रहे हो, तस्वीरें मेरे सहयोगी विनोद गुजर आप तक पहुँचा रहे हैं।